नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव, 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो सकती है टैक्स छूट की लिमिट। तेलंगाना में BRS की जनसभा में शामिल होंगे केजरीवाल, अखिलेश यादव और वामपंथी नेता। 2024 से पहले एक होगा विपक्ष। सुपर पावर बनेंगे लेकिन दूसरे देश की इंच भर जमीन कब्जाने की मंशा नहीं, चीन पर राजनाथ सिंह। मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने कीमत में आज से 1.1% का इजाफा किया। लोकसभा चुनाव में बचे 400 दिन, सभी मतदाताओं तक पहुंचे कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यकारिणी बैठक में बोले पीएम मोदी। सीएम धामी का अधिकारियों को 2 टूक, अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित की तो संबंधित अफसर कर्मचारी की होगी जिम्मेदारी। राजस्थान की 1500 ग्राम पंचायतों में खुलेगी गौशाला, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। केरल में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, राज्य में दर्ज किए गए COVID-19 के सबसे ज्यादा सक्रिय मामले। पहली बार पृथ्वी के 90% पानी को मापेगा नया सैटेलाइट, 10 लाख से ज्यादा नदी तालाबों पर सर्वे करेगा, बाढ़ चक्रवात से बचाएगा। बजट में रखा जाएगा बुजुर्गों का ख्याल, बदलेगी पेंशन स्कीम, पेंशनर्स को मिलेगा ज्यादा पैसा। कर्नाटक में गुजरात फार्मूला लागू करेगी बीजेपी, सीएम बोम्मई की विदाई हो सकती है, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम येदियुरप्पा से की बात। आम लोगों को राहत, कुछ चीजों से हटी GST, पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं। चीन में 1961 के बाद पहली बार घट गई जनसंख्या, कुछ ही महीने में भारत बन जाएगा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। केरल के सभी उच्च शिक्षण संस्थान में छात्राओं को मासिक धर्म की छुट्टी देने की तैयारी, सरकार ने किया ऐलान। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना होगा महंगा, अगले साल से बढ़ जाएगी 12% फीस। भारत जोड़ो यात्रा, जम्मू कश्मीर में राहुल को खतरा, सुरक्षा एजेंसी ने चेताया कुछ जगहों पर पैदल चलने से किया इनकार। निकल गई पाकिस्तान की हेकरी, शहबाज शरीफ बोले भारत से 3 युद्ध में मिल गया सबक, शांति चाहता हूँ। LAC पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा भारत, 4G कनेक्टिविटी और चेक पोस्ट तक सड़कों पर फोकस। अब 2 लाख लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। एयर इंडिया खरीदने जा रही 500 नए जेट, $100 बिलियन में हो सकती है डील। जम्मू कश्मीर में बीजेपी कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं की सुरक्षा घटी, ऑडिट के बाद बड़ा फैसला। गहलोत पर फैसला नहीं कर पा रही कांग्रेस, राजस्थान विवाद पर खड़गे और गांधी परिवार आमने सामने। RVM पर विपक्षी दलों ने उठाए सवाल, 28 फरवरी तक सुझाव दे सकते हैं राजनीतिक दल। एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का हल्ला बोल, निकाला विरोध मार्च, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, शरद पवार रहे शामिल। 8 सालों में दोगुना हुआ यमुना का प्रदूषण, LG ऑफिस ने दी जानकारी, नाले का पानी छोड़ा जाना बड़ी वजह। प्रियंका गांधी का ऐलान, कर्नाटक में सरकार बनी तो परिवार के एक महिला को दिए जाएंगे हर माह 2000। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में मध्य प्रदेश, टास्क फोर्स का किया गया गठन। दूध उत्पादन बढ़ाने को विकसित होगी सेक्स्ड सीमन तकनीक, DBT ने मांगे प्रस्ताव। ओवैसी बोले बीजेपी RSS दोनों को हरे रंग से नफरत है, इस्लाम की निशानी समझकर इसे मिटा रहे हैं, हमें तो हर रंग पसंद है। डायबिटीज रोगी सावधान, चीनी से कई गुना मीठे हैं शुगर फ्री स्वीटनर्स, WHO ने किया अलर्ट। अब गूगल एप्पल के भरोसे नहीं रहेगी मोदी सरकार, लाने जा रही है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, हमें संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से जुड़ना है। अगली फसल आने तक नहीं होगी अनाज की कोई कमी, भंडार में पर्याप्त खाद्यान्न, केंद्र सरकार। कोविड टीकों पर मीडिया रिपोर्ट के दावों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया खारिज, कहा कोई दुष्प्रभाव नहीं। चीन के वाटर वार के खिलाफ रणनीति, अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना लगाने की तैयारी। गांव गांव में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, BSNL ने बनाया जबरदस्त प्लान। मोदी सरकार में सशक्तिकरण की ओर बढ़ा गरीब, देश के नौजवान जॉब सीकर से बन रहे हैं जॉब क्रिएटर, देवेंद्र फडणवीस। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में असम सबसे ऊपर, 2025 तक पूरा हो सकता है 100% तक EV इस्तेमाल का लक्ष्य। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नागरिकों के 4 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड किए गए डिजिटाइज, मनसुख मंडाविया।
बंगाल सरकार की केंद्र को चिट्ठी, पीएम आवास योजना फंड को तत्काल जारी करने की उठाई मांग। राजस्थान में खुलेंगे 106 नए सरकारी आईटीआई कॉलेज, कोर्स के साथ सिखाए जाएंगे इंग्लिश बोलना, अगले सेशन में मिलेगी 10,000 नई सीटें। पेशेवर बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम, अपनी इकाई स्थापित करने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से होगी टिकटों की एक्सरसाइज, डोर टू डोर जाकर विधायक प्रत्याशी परखेंगे ग्राउंड कनेक्टिविटी, पार्टी भी रखेगी नजर। भारत में मार्च 2020 के बाद कोविड-19 के मिले सबसे कम मामले, सक्रिय मामलों में भी हुई गिरावट। कारोबारियों को मिली बड़ी राहत, छोटी गड़बड़ियों को अपराध की कैटेगरी से हटाने वाला विधेयक मंजूर। दिसंबर के वस्तु निर्यात में 12.21% की गिरावट, चीन से आने वाले घटिया माल के आयात पर लगी रोक। पी नड्डा ने भाजपा नेताओं से कहा सभी चुनावों में मिलने चाहिए जीत, पीएम मोदी की तरह कड़े कड़ी मेहनत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 2024 तक भारत की सड़कें होगी अमेरिका जैसी। हिमाचल में भी जोशीमठ जैसी आपदा का खतरा, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों की बुलाई बैठक, दिए अहम निर्देश। अब एलएसी पर ड्रैगन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब, चीन की सेना के लिए भारतीय सेना का 3D इंतजाम। WHO ने कहा HIV TB की टेस्टिंग में आई कमी, एक्सपर्ट बोले कोरोना में अन्य बीमारियों में बढ़ती गई लापरवाही। सड़कें काटी तो होगी FIR, ठीक होंगे ब्लैक स्पॉट, हादसे रोकने के लिए एक्शन में हरियाणा सरकार। सर कटा लूंगा RSS, दफ्तर नहीं जाऊंगा, राहुल का संघ पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। देश में बन रहे 300 तरह के हथियार, यह है आत्मनिर्भर भारत, राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर। जोशीमठ में ओली रोपवे के मेन स्टेशन कंपाउंड की जमीन फटी, खतरे में एशिया का सबसे लंबा रोपवे। दिल्ली MCD चुनाव में भाजपा को 104 सीट जिताने में उपराज्यपाल ने की मदद, सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा दावा। वायरल इन्फेक्शन पर देश के अलग अलग हिस्सों में होगा शोध, 28 से अधिक ICMR केंद्रों पर शुरू होगा अध्ययन। साइबर अटैक्स एम्स को दे गया स्लो पॉइजन, हालात अब भी जस के तस, मिनटों के काम घंटों में हो रहे हैं। गुजरात मॉडल से जीत का दहला लगाएगी BJP, 1,30,000 बूथों पर दमखम दिखाने का रखा लक्ष्य। भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चिंतन शिविर में अफसरों से बोले गहलोत, गोलमोल जवाब ना दे। आत्मविश्वास से लवरेज BJP 2024 लोकसभा चुनाव और बड़े अंतर से जीतेगी, अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। राजस्थान की 1500 ग्राम पंचायतों में खुलेगी गौशाला, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1,370 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी उपलब्ध होगी, वहां प्राथमिकता से 1-1 करोड़ रुपए तक की राशि से गौशालाएं स्थापित की जाएगी। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 एवं वर्ष 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इनमें राज्य सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% राशि वहन करेगी। इससे किसानों को भी आवारा पशुओं की समस्या से राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 2,00,000 लोगों के निरस्त होंगे राशन कार्ड, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ, अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने उसका 1 साल तक इस्तेमाल नहीं किया है तो आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने राशन कार्ड का 1 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों को राशन का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने अपने सभी जिला सर्कल अधिकारियों से कहा है कि घर घर जाकर सत्यापन किया जाए और फिर सरकार को रिपोर्ट भेजे, इसके बाद उन लोगों को राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा जो लंबे समय से राशन नहीं ले रहे हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले लोगों का राशन कार्ड हटाने का मकसद उन लोगों को राशन का लाभ देना है जो पात्र हैं और उनका राशन कार्ड नहीं बना है। मारुति की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने कीमत में आज से 1.1% का इजाफा किया। जी हां, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने आज से कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सभी मॉडलों की एक्स शोरूम कीमत में 1.1% का इजाफा किया गया है। कंपनी के अनुसार इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। कीमतों में बढ़ोतरी एक्स शोरूम पर की गई है। इस हिसाब से दिल्ली में आर्टिगा के 20 मॉडल की एक्स शोरूम कीमत में 9,251 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं ऑल्टो के 20 मॉडल की एक्स शोरूम कीमत में 3,729 रुपए बढ़ सकते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गूगल एप्पल के भरोसे नहीं रहेगी मोदी सरकार, लाने जा रही है स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हां, गूगल और एप्पल की भारत पर दबाव बनाने की कोशिश नाकाम हो गई है। स्मार्टफोन मार्केट पर इन दोनों कंपनियों का कब्जा है। स्मार्टफोन कोई भी हो, लेकिन स्मार्टफोन में स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दोनों कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस करती है, लेकिन अब ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जल्द ही भारतीय सरकार स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पेश कर सकती है। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल और एप्पल के दबाव और मनमानी को खत्म करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेटिंग सिस्टम को पेश करने का ऐलान किया है। भारत के नए ऑपरेटिंग सिस्टम को इंड ओएस नाम दिया जा सकता है। ऐसे में यूजर्स को ज्यादा सिक्योरिटी एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही गूगल और एप्पल को भी चैलेंज किया जा सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।